नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत को ठंड ने अपने आगोश में ले लिया है। मौसम विभाग के मुताबिक कोहरे की चादर अभी दिल्ली एनसीआर और आसपास के राज्यों को अगले 5 दिन तक नहीं छोड़ने वाली है। उत्तर भारत पर ठंड की सफेद आफत अभी कुछ और दिनों तक जारी रहने वाली है। मौसम विभाग ने दिल्ली हरियाणा में अगले 5 दिनों तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर तक सुबह और रात के दौरान दिल्ली हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए बहुत घने कोहरे की चेतावनी भी जारी की है। दिल्ली में आज एयर पॉल्यूशन में मामूली सुधार देखने को मिला है। दिल्ली में आज का औसत AQI 356 तक पहुंच गया है। हालांकि ये भी बेहद खराब श्रेणी में आता है। अगले 2 दिन में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी रहेगी, इसीलिए प्रदूषण से अभी राहत मिलने की संभावना नहीं है। दिल्ली में अधिकतम तापमान आज 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। घने कोहरे को लेकर आज मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। बता दें, घने कोहरे के चलते गुरुवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाली करीब 60 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है। 134 फ्लाइट्स और 22 ट्रेनें लेट हुई हैं। राजस्थान में येलो अलर्ट और उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट भी है। बता दें, दिल्ली NCR के साथ साथ कई और राज्यों और शहरों में ठंड से बुरा हाल है। कहीं कोहरे का असर रास्तों पर दिखाई दिया है तो कहीं मौसम एकदम साफ है। उत्तर भारत समेत कई राज्यों में ठंड का असर काफी ज्यादा है।